और देखिए, आपने हिंदुस्तान की अभी बात की थी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। मैं यहाँ पे बच्चों को ये पैगाम लेकर जाना चाहती हूँ, सुनिएगा कि जो भी हालात हो, दुआ कीजिए इस पोएट्री डे पे, क्योंकि पोएट्री समाज का आईना है, बहुत कॉमन बात है, लेकिन रास्ता दिखाता है, सच बात बोलता है। ये अलग बात है कि आज के दौर में हमें बोलना भी जुर्म है, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों की तरफ से बात सरकार को पहुंचाना चाह रही हूँ। सुनिएगा, हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो, सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भाई से सजाना हक कोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों की पहचान नहीं खोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां। हमको ही कला भी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहाँ कोई आदमी, सस्ती हो जहाँ पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, मन्नू यहाँ हर एक शर्मसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। क्या बात, मुहर लगा दी प्लीज। शुक्रिया। मजलूमों के साथ ऐसे आवाज लगाओ पहुंचे, जो सरकार समझने की बहुत अच्छे काम कर रहे हो। आप देखिए आज आवाम की आवाज क्या है, सुनिए। हम गालियां खा के अपने हथेली पे सर रख के हमको जो काम मिला कर रहे हैं, कुर्सी की बहुत हद तो आती है दावत, लेकिन मैं कुर्सी नशीनों के बीच में सब में नहीं बैठना चाहती। मैं यहाँ बैठ के आवाम की बात करना चाहती हूँ, वरना कुर्सी के सुनिएगा। मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, मम्मू यहाँ हर एक शर्मसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। जहाँ पे सियासत ही जाप पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी बने नवाब पे ना हो, रहम किसी बने नवाब पे ना हो। फिर एक रसिया सी मुस्कान चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। फिर रजिया सी मुस्कान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी मिसरा देखिए, हमारा मुल्क कैसा था, कैसा बना दिया, और मैंने उसकी किस किस से उपमा देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान के मुकाबले मुझे क्या चाहिए, आखिरी मिसरे में देखिएगा कि उर्दू को ना गैर कहे कोई जहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां।
क्या ही है जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत 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 दादा जी, आप हिंदी और उर्दू की जो एक नजर है वो एक मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या आप बजा सकते हैं? मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पा हो गई तुमको देखे हुए, वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे गम, अपने माजी फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टक टकी आंख, पल भर को तेरी झपक आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, और देखिए वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, बारहा पे
सुबह का पहला पयाम उर्दू ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू उतरे जा तारे वही बाम उर्दू बड़ी कम से शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है होके बाद अब भी शऊर नहीं है तुझे खतरा तो रुबाई की कसम जैसे दस्ते खुदा जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ शोहरतों ने ऐसे मुझे हौले से छुआ मेरा खानदान पहचान है यही मेरी आन मान और शान है यही आए हर गम मेरे काम उर्दू तुझे नई सदी का सलाम उर्दू आए हर गम मेरे काम उर्दू तुझे नई सदी का सलाम उर्दू और भी अजीम और महान तू बने और भी हसीन और जवान तू बने दिल बने किसी का तू ईमान तू बने किसी का खुदाया भगवान तू बने और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी सलाम उर्दू बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत 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 जोरदार तालियां बजाइए। उर्दू की इससे बेहतरीन नज़्म मैंने अब तक अपने छोटे से मुख्तसर उसमें कभी नहीं सुनी। मैंने पहले भी कहा था, मुझे हुक्म दिया गया है कि शुरुआत उर्दू से करूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि यहां से शुरुआत करी हूं इस माहौल के नाम की। क्या भला चांद सितारों की ज़बान समझेंगे, बरगु फूलों का परिंदों का बयां समझेंगे, कितने बदबख्त